बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्योति मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, यहाँ पर हाजिर हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं नोकिया का 225 4G, और इस डिवाइस को लेकर मैं आपको बताऊँगा कि क्योंकि इससे पहले भी 4G डिवाइसेस आए हैं कीपैड में, बट वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी देखने को मिले थे, जैसे कि आप YouTube भी प्ले कर सकते हैं उन डिवाइसेस में, और वाईफाई जैसा फीचर भी आपको वहाँ पर देखने को मिला था, 4GB इंटरनल स्टोरेज भी वहाँ पर आपको देखने को मिली थी। बट यहाँ पर दोस्तों, क्या नोकिया का 4G जो डिवाइस है वो YouTube को प्ले करेगा, क्या इसमें आपको वाईफाई का फीचर देखने को मिलेगा? तो हम कंप्लीट रिव्यू भी करेंगे दोस्तों, साथ साथ अनबॉक्सिंग भी करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक वॉच कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, द मॉडल नेम इज नोकिया 225 4G। तो यहां पर हम इसे अपनी जुबान में बोलेंगे नोकिया 225, जो कि 4G के साथ आ रहा है। और सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी देख लेते हैं। HD कॉल्स ओवर 4G नेटवर्क इंटरनेट, और यहाँ पर 2.4 का डिस्प्ले है, रियर कैमरा, वायरलेस FM रेडियो, चीज़ें यहाँ पर जो है मेंशन की गई हैं, जिनमें जो मेन चीज़ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 32 GB मेमोरी कार्ड जो है ये सपोर्ट करता है। सो गाइस, हम डिवाइस को देख लेते हैं। और एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि इससे पहले भी 4G फोन जो है पाकिस्तान में हमें देखने को मिले थे कीपैड वाले, जिनमें क्यू मोबाइल का उनका क्यू मोबाइल 4G और जेज की तरफ से था जेज डिजिट 4G, और वहां पर हमें यूट्यूब और वाईफाई वगैरह का भी फीचर देखने को मिला था। बट यहाँ पर दोस्तों कुछ सीन अलग है, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले हम जो है इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का मोबाइल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि USB पोर्ट 2.0 का यहाँ पर आपको जो है चार्जर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है इसका वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा इसकी बुकलेट देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, हम देख लेते हैं मोबाइल को, कुछ इस तरह का मोबाइल है, शेप वाइज तो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, फ्रंट का डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, जो आधा एरिया कवर किया गया है वो ब्लैक कलर से कवर किया गया है और बाकी जो है ब्लू कलर से कवर किया गया है, तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं, तो बैटरी मैंने पहले से ही डाल रखी है, सिम वगैरह मैंने इसको जो है टोटली रेडी किया हुआ है ताकि आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट ना हो। सो गाइस, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इससे पहले जो 4G डिवाइसेस थे कीपैड वाले, उनमें दोस्तों हमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते थे। अब यहाँ पर जो है आप YouTube को भी प्ले नहीं कर सकते, और इसमें जो है आपको वाईफाई वगैरह का भी फीचर नहीं देखने को मिलेगा, जस्ट यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आपको देखने को मिल रही है, कोई डिफरेंस नहीं है नोकिया के किसी डिवाइस से, सिर्फ आपको 4G का फीचर देखने को मिल रहा है। और उसका जस्ट फायदा ये है कि यहाँ पर अगर कोई ब्राउज़र है, ओपेरा का ब्राउज़र है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ इंटरनेट, तो ओपेरा ब्राउज़र जो है वो बिल्ट इन इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर आप जो है कुछ भी चीज़ जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाय द वे, अगर मैं YouTube को ओपन करता हूँ, यहाँ से स्पीड आपको काफ़ी अच्छी देगा, 4G की स्पीड है इसकी, बट जो चीज़ हमारे जहन में थी कि एक 4G डिवाइस जो है उसमें YouTube भी प्ले होगी, और उसमें आपको जो है वाईफाई वगैरह का भी फीचर देखने को मिलेगा, और WhatsApp वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपको, अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं, सो हमने इसको ओपन कर दिया, तो इनवैलिड रिस्पांस रिसीव्ड, यहां पर आप कोई भी वीडियो जो है प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये सपोर्ट नहीं करता है इस ब्राउजर में किसी भी वीडियो प्लेयर को। जो आपके जहन में आई थिंक चीज थी कि इस डिवाइस में आपको जो है 4G का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो इस डिवाइस में जो है वाईफाई भी होगा, और इस डिवाइस में YouTube भी प्ले होगा, इस डिवाइस की अपनी इंटरनल स्टोरेज भी होगी, 32 MB इसकी स्टोरेज है। भाई दबाई, जो दूसरे फोन्स थे कीपैड वाले 4G, जिनमें जेज का था जेज डिजिट 4G और क्यू मोबाइल जो 4G था, वहाँ पर आपको 4GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिली थी, बट यहाँ पर आपको 32 MB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, और कुछ इस तरह का फीचर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाय द वे, स्मार्टफोन की इस कीपैड वाले फ़ोन की जो प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट में 6,400 रुपये है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप बेशक परचेज कर सकते हैं। मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी, वो ये कि ये सिर्फ एक जस्ट 4G डिवाइस है, यहाँ पर आप किसी किस्म का यूट्यूब वगैरह को प्ले नहीं कर सकते। सो गाइज, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।